गाइस, पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे ग्लोअर लगाया और फिर मेडकिट लेते थे, और अगर साइड से कोई बंदा आ जाए तो ऐसे ग्लोअर लगा देते। इसके लिए एक जो डिसएडवांटेज है वो हमारा जो मेडकिट है वो नहीं ले पाते थे हम, और हम मर जाते थे। तो एक बार दोबारा देख लो, अगर हम लोग ऐसे मेडकिट लेंगे और साइड से बंदा आ गया तो ऐसे ग्लोअर लगाएंगे, और इसकी वजह से हम मेडकिट नहीं ले पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है कि कैसे आप लोग ग्लोअर जो है ग्लोअर के साथ मेडकिट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ग्लोअर लगाया, उसके बाद देखो मैं मेडकिट यूज़ कर सकता हूँ, मेडकिट भी पूरा हो गया और ग्लोअर भी लग गया। तो ये ट्रिक कैसे काम करता है ये जान लेते हैं पहले, ठीक है। सो गाइस, ये मैंने कस्टम में यूज़ किया है, अनलिमिटेड ग्लोअर के साथ मैंने कस्टम में यूज़ किया है। अगर ये रैंक गेम में यूज़ होता है तो ज़रूर कमेंट में बताना। मैंने रैंक गेम में चेक नहीं किया है रैंक गेम में ये यूज़ होता है या फिर नहीं, मैंने ये कस्टम में यूज़ किया है। अगर आप वन वर्सेस वन ऐसे ही कुछ कस्टम खेल रहे हो और ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो ग्लोअर लेते लेते आप मेडकिट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ग्लोअर सबसे पहले लगाना है, ठीक है, और उसको स्विच नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप मेडकिट पे टैप करें और फिर कैमरा एंगल चेंज करके राइट वाले फायर बटन से टैप टैप करके आपको ग्लोअर लगाना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको ग्लोअर लगाना है और ग्लोअर छोड़ना नहीं है, ठीक है। बिना छोड़ के आपको मेडकिट के ऊपर टैप करना है, मेडकिट के ऊपर टैप करके कैमरा एंगल चेंज करके, व्यू एंगल जो कहता है उसको चेंज करके राइट वाले फायर बटन से टैप टैप करके लगाना है, ठीक है, आप समझ गए। और ये ट्रिक जो बता रहा हूँ मैं, ये कुछ मिस्टेक मैं बता देता हूँ जिसकी वजह से आपका ये नहीं होगा। तो वो मिस्टेक क्या क्या है ये सुन लो पहले। तो कुछ मिस्टेक है जिसको आप अगर वो मिस्टेक अगर अप्लाई करोगे तो ये ट्रिक आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ मिस्टेक क्या है, तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी ग्रेवल जो जॉयस्टिक है जिससे कैरेक्टर को मूव करते हैं उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अगर आप उस पर हाथ लगा दोगे तो आप बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे इस ट्रिक को, ठीक है ना। सबसे पहला मिस्टेक ये है, ग्रेवल या फिर जॉयस्टिक को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप अगर जो ग्लोअर को हाथ में लेकर, अगर ग्लोअर को हाथ में लेकर क्लिक टू स्विच या फिर जो वेपन आपने स्विच कर दिया, आप यूज़ करते करते ये ट्रिक यूज़ करते करते अगर वेपन को आप स्विच कर देते हो, स्विच अगर कर देते हो तो ये ट्रिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, आप इस ट्रिक को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखें कि ग्रेबल को हम हाथ नहीं लगाएंगे जब हम इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तब, और उसके बाद हम लोग जो है वेपन स्विच नहीं करेंगे कि ग्लोअर लगाया, ग्लोअर हाथ में रहना चाहिए, वेपन हाथ में नहीं लूँगा, ठीक है ना। सो गाइस, मैं फिर से एक बार बता दूँ आप लोगों को कि मैंने ये जो ट्रिक है इसको कस्टम में यूज़ किया है, जिस पर अनलिमिटेड वाला ग्लोअर है उस पर यूज़ किया है, ठीक है। रैंक गेम में मैं अभी तक इसको चेक नहीं किया है कि रैंक गेम में ये यूज़ होता है या फिर नहीं। अगर कोई बंदा रैंक गेम में इस ट्रिक को यूज़ होता है या फिर नहीं वो बताएगा तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, कमेंट में बता देना अगर ये रैंक गेम में यूज़ होता है या फिर नहीं, ठीक है। कस्टम में अनलिमिटेड ग्लोअर के साथ एक 100% वर्क करता है, ठीक है। सो गाइस, ये ट्रिक अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो करो, और जो कोई सा भी क्वेश्चन हो तो मैं मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो या फिर कॉमेंट में #AskSMD लिखकर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ़।